हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू गाइस ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इकोलॉजी और एन एनवायरमेंट कर रहे हैं एंड टुडे इज पार्ट 7। माय डियर फ्रेंड्स, सीरीज इज गोइंग टू बी ऑसम। जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया था कि मेरा फोकस एडिशनल इंफॉर्मेशन पे होगा। और गाइस, हमने 20 सितंबर से अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे कंप्लीट कोर्स ऑन इकोलॉजी एनवायरमेंट स्टार्ट किया है। आप सब लोगों का उसमें बहुत बहुत स्वागत है। इट इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा माय डियर फ्रेंड्स। हम इसमें सब कुछ करेंट, स्टैटिक, डायनेमिक सब पार्ट को एक साथ लेकर आ रहे हैं। माय सेल्फ अजीत तिवारी, फैकल्टी फॉर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो मी ऑन unacademy.com/@theRateAjeetLive। गाइस, 15 साल के ह्यूज एक्सपीरियंस के बाद, 10 लाख ऑनलाइन ऑफलाइन स्ट्रेंस पढ़ाने के बाद, मैं आपसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, Have a look on screen। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम बात आपसे कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अनअकैडमी की एक ऑसम टीम ह्यूज ऑफलाइन एक्सपीरियंस के बाद आपके लिए ऑनलाइन वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आ रही है। जैसे आप कोड अजीत लाइव यूज करोगे, दैट इज योर कोड ऑफ सक्सेस। क्या क्या आपके लिए फ्री अवेलेबल है? अनअकैडमी कॉम्बैट सितंबर, हर संडे 11 AM, LMP लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, पूरी प्रॉपर पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सीरीज, रेज हैंड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑडियो इज विजिबल, ठीक है। आइकॉनिक और प्लस का ऑप्शन, आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटरिंग मिलती है। अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल या कंप्लीट ऑप्शनल की बात करें तो सारे 19 ऑप्शनल की एक कैटेगरी है। जीएस कॉम्बो ऑफर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है ना गाइस। तो ये आपके पास फैसिलिटी है फॉर वन ईयर। फी इज ओनली 24,750। सारे ऑप्शनल 19 ऑप्शनल इस कैटेगरी के अंतर्गत हैं। गाइस, न्यू बैचेस आर कमिंग, 1-year, 2-year बैचेस। तो आप बैचेस के लिए वेट ना करें, आप अपनी सब्सक्रिप्शन कंफर्म करें और हमें इन्फॉर्म करें, फिर आगे हम आपकी स्ट्रेटजी प्लान करें। फॉर ऑल दोस अपीयरिंग इन 22, राइट टाइम टू ज्वाइन। और 23 वालों के लिए भी, क्योंकि 22 में जून 5th June 2022 को आपका प्रीलिम्स होगा और 16 सितंबर से मेन एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। टाइम नहीं है गाइस, तो आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। फॉर 23 2-year प्रोग्राम आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और मई और जून डेट इज नॉट कंफर्म येट, बट अप्रोक्सीमेटली यही आपका प्लेम्स होगा और सितंबर 23 में आपका मेंस होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम बेसिक एनसीईआरटी के थ्रू आगे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। व्हाट टू डू, यूज कोड अजीत लाइव, दैट इज योर कोड ऑफ सक्सेस। गाइज, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइज आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। देखिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या आंसर आपको समझ में आ रहा है? घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एश, वाइल्ड बफेलो।
हरी अप गाइस। My dear friends, for this question, right answer is D, 1, 2 and 3. D is the right answer, 1, 2 and 3. आइए इस बात को और समझते हैं। Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India. And thrust क्या था? Thrust of the program was towards protecting. किसकी बात हो रही है? Have a look on screen. Protecting the remaining population of certain endangered species. कैसे? By banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. Subsequently, central and many state government established क्या? National parks and wildlife sanctuaries. ताकि sanctuaries के through वो एक specific species को focus कर पाएं. और नेशनल पार्क्स के थ्रू वो पूरे हैबिटेट को कंजर्व कर पाए। आइए इस बात को और देखते हैं गाइस। सो डी इज करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अनाउंस किया, ठीक, चाहे वो टाइगर की बात हो, वन हॉर्न राइनो की बात हो, कश्मीर स्टैग हंगुल की बात हो, और थ्री टाइप्स क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और घरियाल की बात हो, एसिएटिक लायंस की बात हो एंड अदर्स। सो और अभी हाल ही में इंडियन एलिफेंट, चिंकारा, ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लियोपार्ड को हमने कंप्लीट और पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। इंडियन वाइल्ड एस, अगर मैं इसकी चर्चा करूं, और वाइल्ड बफेलो, बुबेलस की बात करूं, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ द एक्ट। गाइज, यूपीएससी शेड्यूल वाइज क्वेश्चंस भी पूछती है, इसीलिए मैं शेड्यूल वाइज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको पहले से नहीं मालूम है, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? शेड्यूल वन की बात हो रही है। गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसके की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। माय डियर फ्रेंड्स, टाइगर की तरह सेम लेवल का प्रोटेक्शन इस टॉर्टोइज को मिलेगा, ठीक। बी और सी से कोई खास मतलब नहीं है। ए इज द राइट आंसर। देखिए जरा, अभी मैंने आपसे बताया कि थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर स्पीसीज। कैसे? बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आगे ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? इन इंडिया इफ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड अंडर शेड्यूल वन, दैट मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लाइक दैट ऑफ टाइगर। गाइज, टाइगर इज की स्टोन स्पीसीज। कल मैं प्लस वाले सेशन में बात कर रहा था कि की स्टोन स्पीसीज में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कैसे दे आर मिनिमम इन प्रोपोर्शन बट दे हैव मैक्सिमम इंपैक्ट। नो पर्सन कैन हंट दैट स्पीसीज एक्सेप्ट
एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो शेड्यूल वन से शेड्यूल सिक्स तक आए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, नो पर्सन शैल हंट एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन टू थ्री एंड फोर एक्सेप्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11 एंड 12। रेटिंग ऑफ शेड्यूल 1 टू 5 इज इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क ऑफ सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड फौना एंड लिस्टेड इन देम। जो एनिमल्स इसमें इंक्लूड हैं दे आर प्रोवाइडेड फॉर टोटल प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरह आप इसे प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हो। गाइस क्या हो रहा है, पहले ह्यूमन प्लांट एनिमल्स का एक्सप्लोटेशन कर रहा है। गाइस क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सिर्फ फौना और एनिमल की बात हो रही है या आपने कोई प्रोविजंस प्लांट के लिए भी किया है? इज देयर एनी शेड्यूल जिसका संबंध प्लांट से है? यस गाइस, शेड्यूल सिक्स हैज बीन एडेड टू इंक्लूड स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज टू बी प्रोटेक्टेड बाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अमेंडमेंट एक्ट 1991 की बात हो रही है, याद रखेंगे आप। कम ऑन द लवली क्वेश्चन रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। How is the NGT different from CPCB? खूब अच्छे से मैंने NGT पढ़ा दिया है और जो बैच अभी स्टार्ट किया हूं उसमें कवर कराऊंगा। My friends, for this question, the right answer is B, two only, है ना? Two only, only second statement is correct. National Green Tribunal provides environmental justice. Inference is taken from Article 21. ये Article 21 में mention नहीं है। राइट टू लाइफ से आपने इन्फ्रेंस लिया है। ओके आगे और समझिए। हेल्प टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट वेयर एज CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए देखते हैं फर्स्ट में खामी क्या है। फर्स्ट में वाई स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। माय फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर NGT एक्ट 2010 क्यों? फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। किसके संबंध? मैंने आपको ट्रिक दिया था कि जितने एनवायरमेंटल एक्ट हैं सबको NGT डील करती है। ट्रिक इज 1927 और 1972 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को डील नहीं करती और 27 को उल्टा करिए 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को डील नहीं करती। इन दो को छोड़ के NGT सारे एनवायरमेंटल एक्ट्स को डील करती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। So, regarding environmental protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to person and property and for matters connected therewithin or incidental. तो ये बात हम समझने का प्रयास
कर रहे थे। सीपीसीबी की बात करें गाइस, इट इज स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंतर्गत, याद रखेंगे, यही लोगों को कंफ्यूजन होती है, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। बाद में इसे और पावर्स मिले टू फंक्शन अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। याद रखेंगे आप, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट सीम्स टू बी कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं, याद रहेगा। एनजीटी ठीक, कहां से इंफ्रेंस, आर्टिकल 21 संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है, लेकिन एनजीटी के प्रोविजन संविधान में मेंशन नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्लियरिटी रखेंगे, ठीक, याद रहेगा। गाइस गिव मी अ बिग थम्स अप, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैंने बता दिया कि भाई एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, ठीक। चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगास हैव बीन गिवेन हैबिटेट राइट्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। अच्छा देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Guys, for this question, right answer is A, 1 and 2 only. Take 1 and 2 only is the right answer. आप देख रहे हो कितने अच्छे questions UPSC आपसे पूछ रही है। अब आप समझ पाओगे कि क्यों मैं जो प्लस पे कोर्स ले रहा हूं, कल मैंने समझाया कि क्यों मैं इस कोर्स को डिटेल में ले रहा हूं, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दिखाया कि व्हाई आई एम टेकिंग सेशन इन ग्रेट डिटेल। माय फ्रेंड्स, सो आइए इस बात को देखते हैं कि हैबिटेट राइट्स कौन डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा, प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल PVTGs का इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, द फ्रेज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज डिफाइंड ओनली इन शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड नॉट इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये स्पष्ट याद रखेंगे। अगर मैं फ्रेज की बात करूं, कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज मेंशन ओनली इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 as a sequel to amendment made to the said act in 2006। इस पॉइंट को कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर मैं आगे बढ़ू, इट इज नॉट डिफाइंड इन शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, बैगा ट्राइबल्स बिकेम इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी टू गेट हैबिटेट राइट्स। बैगास आर कंसिडर्ड एज PVTG इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
एंड रिलाई मोस्टली ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती स्लैश बर्न कल्टीवेशन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फिशिंग फॉर सस्टेनेंस। गाइस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ये ट्राइब भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, वेयर बैगाज आर फाउंड, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हरे गाइस द ट्राइब्स नॉट ओनली 150,000 इन नंबर, दे आर फाउंड इन फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यहां मिलेंगी कहां पे, एमपी एंड छत्तीसगढ़, 150,000 इन नंबर। स्टेटमेंट थ्री करेक्ट नहीं है, डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट राइट वाज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू एन अमेंडमेंट इन संशोधन के थ्रू फॉरेस्ट राइट एक्ट इन 2012, और एज पर द अमेंडमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अंडर द एक्ट शैल एंश्योर दैट ऑल पीवीटीजीज रिसीव हैबिटेट राइट्स, किसके थ्रू, इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस ग्रुप्स आफ्टर फिलिंग क्लेम्स बिफोर द ग्राम सभास। गाइस इतना डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आपसे डिटेल में पूछा जा रहा है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हरी अप गाइस, हरी अप। माय फ्रेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू बताऊंगा अभी आपको, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट थ्री इज ऑल्सो करेक्ट। गाइस फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, अगर आप देखोगे अभी इसमें समझोगे बहुत अच्छे से कि फर्स्ट में गलतियां क्या है। आप क्वेश्चन के थ्रू आप एक्ट के बारीकियों को डिटेल्स को देखने और समझने का प्रयास कर रहे हो। माय फ्रेंड्स लिसन वेरी केयरफुली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अमेंडेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, और ये जो चेंज हुई है इसने बैम्बू सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। पहले बैम्बू वाज कैटेगराइज एज ए ट्री, मैंने आपको बताया है बैम्बू इज द लॉन्गेस्ट ग्रास, बैम्बू इज मोनोकार्पिक, पूरे जीवन में इसके एक बार ही फूल खिलता है। आइए आगे देखिए, आफ्टर अमेंडिंग सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, बैम्बू इज नो लॉन्गर अ ट्री एंड फेल्ड बैम्बू टू इज नॉट टिम्बर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, फेल्ड और एक्सट्रैक्टेड बैम्बू वेदर फाउंड इन और ब्रॉड फ्रॉम ए फॉरेस्ट वॉज कंसिडर्ड एज अ टिम्बर। आगे देखते हैं, एक्ट एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट ताकि वो रेगुलेट करे ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ बैम्बू, सो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। बिल परमिट करेगी
फेलिंग एंड ट्रांजिट ऑफ बैम्बू ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज. बैम्बू ग्रोन ऑन फॉरेस्ट लैंड वुड कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज अ ट्री एंड वुड बी गाइडेड बाय एग्जिस्टिंग लीगल रेस्ट्रिक्शंस. तो जो फॉरेस्ट लैंड पे ग्रो करेंगे उसकी बात हो रही है. स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट. शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज करेगी बैम्बू एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वेस द राइट ऑफ ओनरशिप एसेस टू कलेक्ट यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. एक एक बारीकियों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है. द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑन विच दिस कम्युनिटीज वेर डिपेंडेंट फॉर वैरायटी ऑफ नीड्स. चाहे उनकी आजीविका की बात हो, हैबिटेशन की बात हो और सोशियो कल्चरल नीड्स की बात हो. और इस तहत ग्राम सभा इज हाईली एम्पावर्ड बॉडी अंडर द एक्ट. क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल पॉपुलेशन को इनेबल करेगी टू हैव अ डिसिसिव से इन डिटरमिनेशन ऑफ लोकल पॉलिसीज एंड स्कीम्स इंपैक्टिंग देम. तो गाइस इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट वन वाज नॉट करेक्ट एंड टू एंड थ्री इज करेक्ट. आज हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स डील करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अम्ब्रेला एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, भोपाल गैस कांड के बाद ये आया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्मार्टनेस करोगे तो आप इसका आंसर निकाल लोगे. माय फ्रेंड्स, कहीं ये एक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात नहीं करता इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. जब आप ज्यादा सोचते हो तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ईआईए के पब्लिक पार्टिसिपेशन से कंफ्यूज करते हो. कितने लोग इस सेशन को जो कर रहे हैं वो यहां से कंफ्यूज किए, इसीलिए यूपीएससी ने दिया भी है. सो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट. ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. टू ओनली इज द राइट आंसर. माय फ्रेंड्स, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट. ईपीए 86 1986 एम्पावर करते गवर्नमेंट को टू टेक ऑल मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी और एक्सपेडियंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग एंड एबेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ये कहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात नहीं करता, इसे हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से कंफ्यूज नहीं करेंगे. ठीक. ईआईए प्रोसीजर इज करेंटली द सेंट्रल एरिना ऑफ पब्लिक डिसीजन मेकिंग इन ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन इंडिया. ठीक. चलिए, फिलहाल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पायर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर एमिशंस और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. इट ऑल्सो एम्पायर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्लान एंड एग्जीक्यूट
नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्लियर है? आइए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर ये यूपीएससी ने आपसे पूछा है क्वेश्चन रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। माय फ्रेंड्स, मैं साइड जा रहा हूं, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें। अभी मैंने शेड्यूल सिक्स के बारे में आपसे बताया था। शेड्यूल सिक्स के बारे में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर शेड्यूल सिक्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसी प्लांट को प्लेस कर दें आपने सुना होगा कि भाई कुछ प्लांट्स की खेती करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ऐसा कुछ सुना है क्या? यस नो। माय फ्रेंड्स, फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। शेड्यूल सिक्स में जो प्लांट मेंशन है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। ठीक, अभी मैंने आपसे चर्चा की प्लांट स्पीसीज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। प्लेसमेंट इन शेड्यूल सिक्स प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन इन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट एंड रिस्ट्रिक्ट्स इट्स पोजिशन सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन। बोथ कल्टिवेशन और ट्रेड ऐसे प्लांट की सिर्फ प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू ही पॉसिबल है। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, ये आपने सुना होगा। ठीक, क्या आपने, आप मुझे बताना कि अफीम की खेती क्या इसके अंतर्गत आएगी? क्या टोबैको तंबाकू की खेती इसके अंतर्गत आएगी? क्या भांग की खेती इसके अंतर्गत आएगी? आप सोच के कमेंट सेक्शन में आंसर करना, यस और नो। खूब हमने आपसे गैंगस्टिक डॉल्फिन के बारे में चर्चा किया हुआ है। गाइस, इस क्वेश्चन में ट्रैप है, ध्यान देना। हरी अप गाइस, हरी अप, यू आर परफॉर्मिंग वेल, यू गाइज आर ऑसम। वीडियो को गाइज लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। और मेरा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, मैं आपको ऑसम कंटेंट दूं और वेल एक्सप्लेन करूं। गाइज नॉट करेक्ट, आपने देखा
शेड्यूल टू क्यों है भाई? नो, इट कैन लिव इन फ्रेश वाटर ओनली। गैंग्स्टर डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में और प्रकाश डालते हैं। हैव ए लुक। गैंग्स्टिक रिवर डॉल्फिन वाज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801। ठीक, कहां पे? लॉन्ग बैक इट लिव्ड इन गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम। कहां से कहां तक? नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। लेकिन अब ये स्पीसीज वहां अपने अर्लियर रेंज से लुप्त हो चुकी है। ये ब्लाइंड होती हैं, ये अपने प्रे को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू। गाइस, है ना मोटिवेशनल? ब्लाइंड होने के बावजूद अपने प्रे को एक यूनिक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के मैकेनिज्म से यह ट्रैप करती हैं। स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। दे आर अंडर शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स, याद रखेंगे। ठीक, इन अपेंडिक्स टू ऑफ CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, और कैटेगरी क्या है? एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। पूरी गैंजेटिक डॉल्फिन की कुंडली खुल गई। शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स, अपेंडिक्स टू ऑफ CMS और एंडेंजर्ड ऑफ IUCN, याद रहेगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, क्या क्लियर है? गाइस, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। दे आर फाउंड ओनली इन द फ्रेश वाटर 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, असम, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आएंगे आप, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। गाइस, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट थ्री को देखें। टेक्निकल सपोर्ट एंड नॉलेज शेयरिंग इज प्रोवाइडेड बाय यूरोपियन यूनियन, GCCA, सपोर्ट फैसिलिटी विद इन द थीमेटिक ग्लोबल पब्लिक गुड्स एंड चैलेंजेस प्रोग्राम अंडर डेवलपमेंट कॉपरेशन इंस्ट्रूमेंट DCI बाय द इंट्रा ACP सपोर्ट फैसिलिटी अंडर यूरोपियन डेवलपमेंट फंड। ओ माई गॉड, मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, थ्री इज नॉट करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। वन एंड टू ओनली। आइए देखिए, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस इज यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप इनिशिएटिव विच इज हेल्पिंग द वर्ल्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू एडॉप्ट क्लाइमेट चेंज, याद रखेंगे आप। स्टार्टेड विद जस्ट 4 पायलट प्रोजेक्ट इन 2008, हैज बिकम अ मेजर क्लाइमेट इनिशिएटिव, फंडेड ओवर 80 प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल, रीजनल, वर्ल्ड वाइड स्कोप इन अफ्रीका, एशिया एंड कैरिबियन एंड पैसिफिक रीजन। ओ माई गॉड, सी द रेंज ऑफ परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हेल्प करेगा इन इंप्लीमेंटिंग द कमिटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम
2015 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट COP21 इन लाइन विद एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड न्यू यूरोपियन कंसेंसस ऑन डेवलपमेंट। ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स। थ्री इज नॉट करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनेंगे आप। टेक्निकल सपोर्ट एंड नॉलेज शेयरिंग इज प्रोवाइडेड बाई यूरोपियन यूनियन GCCA+ सपोर्ट फैसिलिटी विद इन थीमेटिक ग्लोबल पब्लिक गुड्स एंड चैलेंजेस प्रोग्राम अंडर द डेवलपमेंट कॉपरेशन इंस्ट्रूमेंट बाई द इंट्रा ACP सपोर्ट फैसिलिटी अंडर यूरोपियन डेवलपमेंट फंड। गाइज, इस तरह आपको अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई पॉलिसीज, कोई एक्ट में अमेंडमेंट, कोई स्पीसीज, कोई नेशनल पार्क, कोई बायोस्फीयर रिजर्व अगर न्यूज में है तो मैं उस पर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। एंड माई फ्रेंड्स, विद इन दिस वीक आई एम प्लानिंग एनुअल करेंट अफेयर्स ऑन एनवायरमेंट, अ ग्रैंड मैराथन। ठीक, ये देखिए आप, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की एडिशनल इंफॉर्मेशन एरोज व्हेन WARI एंड WBCSD रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इन द लेट 1990s। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, इसका पेरिस क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, याद आ रहा है आपको? इस बात को समझे, इट वॉज लॉन्च इन COP21 लेकिन यह उसका आउटकम नहीं है। इसके मेंबरशिप कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं करती, यह भी सही है। इंडिया वॉज नॉट इंस्ट्रूमेंटल, कुछ इंडियन एनजीओस इसके मेंबर हैं। तो गाइस, not correct, not correct, B2 only is the right answer। My dear friends, an academy ke let's crack UPSC pe Monday to Friday 10 PM aapse mulaqat regular hogi and very soon I am planning a grand marathon for you guys jisme current affairs ki annual summary hogi for from diverse sources gagar mein sagar। और ये तो आप जानते हो कि अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड यूज करना है अजीत लाइव। गाइस, गूगल पे आप अजीत लाइव टाइप करके देखें, यू विल गेट अ बिग सरप्राइज, नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेस, फ्री वीडियोस एंड अ लॉट फॉर यू गाइस। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक, अपना बहुत ख्याल रखें, Be positive, think positive, and let's crack it. Bye-bye.